दोस्तों पहले नरेंद्र मोदी जी पोलैंड जाते हैं, उसके बाद वहां से एक ट्रेन रेल फोर्स वन में 10 घंटे की यात्रा कर यूक्रेन की कैपिटल कीव में जाते हैं, जहां जेलेंस्की उसका वेलकम करते हैं। दोस्तों रशिया यूक्रेन वो 2.5 साल से चल रही है और अब तो रशिया खुद इस वॉर को लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि दोस्तों अभी यूक्रेन की आर्मी रशिया के कुर्स्क रीजन में 25 किलोमीटर अंदर तक चली गई थी। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ कि यूक्रेन ने इतने बड़े पावरफुल देश रशिया को भी कहीं ना कहीं पे बैकफुट पर ला दिया? जो वॉर शायद से 2 दिन ना चलते, उस वॉर को चलते 8.5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज़ का मिलने वाला सपोर्ट। अगर आप पैलेस्टीन और इसराइल की वॉर देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं है। पैलेस्टीन को मिडल ईस्ट से इतनी मदद नहीं मिली जितनी मदद यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज से मिल रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले यूक्रेन ने स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन दोस्तों उस पीस समिट में रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया। दोस्तों जिस कंट्री के साथ वॉर हो रही है उसको इनवाइट नहीं किया गया तो सीज फायर होगी कैसे? दोस्तों जब तक ये दोनों देश बैठ के बात नहीं करते, जब तक ये वॉर रुकने वाली है भी नहीं। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये वॉर यूक्रेन नहीं लड़ रहा, ये वॉर अमेरिका लड़ रहा है। यूक्रेन तो बस एक कठपुतली है जो अमेरिका के सारों पे नाच रहा है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $60 बिलियन की सहायता की है और इन्हीं पैसों की वजह से यूक्रेन अभी तक रशिया से वॉर कर रहा है। लेकिन दोस्तों नवंबर में अमेरिका में चुनाव होना है और अगर ट्रंप की सरकार आती है तो शायद से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता बंद हो जाएगी। और आई एम श्योर दोस्तों या तो फिर ये वो रुक जाएगी या फिर यूक्रेन के हालात गाजा के जैसे होंगे। अब दोस्तों फिलहाल हमारे नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन गए हुए हैं और वहाँ इस वॉर को लेकर दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो इस बातचीत में जेलेंस्की कहता है कि अगर भारत और वहाँ के लोग रूस के प्रति अपने थॉट चेंज कर लेते हैं या अपना रवैया बदल लेते हैं तो ये वॉर रुक सकती है, और ये डिसीजन पुतिन खुद लेंगे क्योंकि वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों जेलेंस्की भाई साहब ऐसे कह क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण समझो। दरअसल दोस्तों इस वॉर की वजह से दुनिया भर के कई देशों ने रशिया पर ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन भारत रशिया के बीच दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं और हम हमारी जरूरत के हिसाब से रशिया से क्रूड ऑयल भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब जेलेंस्की का कहना यह कि अगर भारत ऑयल इम्पोर्ट करना बंद कर दे तो रशिया इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाएगा। जेलेंस्की आगे कहते हैं कि युद्ध के बीच भारत और चीन से आ रहे अरबों रुपए ने पुतिन की मदद की है। जेलेंस्की का कहना है कि रशिया वेपन्स ना बना पाए, इसके लिए हमें उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा। मैं सच में हैरान हूँ, ये इंसान उस इंसान के सामने ये सब बातें कह रहा है जो इंसान थोड़े दिन पहले पुतिन से गले मिल के आया है। और अब नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मीटिंग के थोड़ी देर बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जरूरी है कि तेल के दामों में स्टेबिलिटी बनी रहे। भारत तेल का एक बड़ा कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है, और तेल खरीदने के पीछे मार्केट स्ट्रेटजी काम आती है। ये पूरी तरह से मार्केट सिचुएशन पर निर्भर करता है। आज ईरान और वेनेजुएला जैसे तेल के बड़े सप्लायर जो पहले से भारत को तेल बेच रहे हैं, आज वो उतनी आज़ादी के साथ ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब वजह ही भारत की तेल खरीदने की नीति पर प्रभाव डालती है। और दूसरी तरफ बैठे मोदी जी ने भी जेलेंस्की को थोड़ा ज्ञान दे ही दिया। मोदी जी कहते हैं कि हम इस वॉर को लेके किसी के भी पक्ष में नहीं है, हम पहले दिन से शांति के पक्ष में थे। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहाँ युद्ध का कोई स्थान नहीं है, और हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इस वॉर पर हमारा तेल खरीदने या ना खरीदने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब तक ये दोनों देश बैठ के कोई पीस डायलॉग ना कर ले, जब तक ये वॉर रुकने वाली है भी नहीं। और अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाना, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए हर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।